अगर दोस्तों मैं आप सबसे कहूं कि हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं पूरी तरह से नॉन एसी कोच वाली, इसमें बहुत जल्दी ही एसी के कोच लगने वाले हैं, तो आपको भी मेरी तरह यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस पर भारतीय रेलवे ने प्लानिंग कर रखा है और इसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर सामने आ चुका है। आखिर कितने एसी के कोच इस गाड़ी में लगने वाले हैं, कब से ये लगने वाले हैं, आखिर क्या वजह होगा कि इसमें एसी कोच भारतीय रेलवे लगाने वाली है, सभी चीजें आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, एक कम किराए में सफर करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसमें नॉन एसी कोच है जिसमें स्लीपर और जनरल के कोच लगे हैं। और ये गाड़ी ऐसे रूट पर चलने वाली है जहां पर जो श्रमिक लोग हैं उनका आना जाना काफी ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय रेलवे को घेरा गया था वंदे भारत ट्रेन को लेकर, क्योंकि वंदे भारत का फेयर काफी ज्यादा रहता है। इसलिए दोस्तों भारतीय रेलवे ने वंदे सीरीज की एक नॉन एसी ट्रेन को लाया जिसमें सुविधा तो हाईटेक रहेगा लेकिन फेयर काफी कम पे करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे देश को बहुत जल्दी ही दो अमृत भारत ट्रेनें एक साथ मिलने वाली है। पहली मालदा से बेंगलोर के बीच में चलेगी, वहीं दूसरी दरभंगा से दिल्ली के बीच में। वहीं दोस्तों बात कर ले इसमें लगने वाले एसी कोच की, तो दोस्तों यहाँ पर इस मीडिया रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा राज्यों से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच लगभग 150 से अधिक अमृत भारत ट्रेनें चलाने की योजना है। मतलब कि इन सभी राज्यों में लगभग 150 से भी ज्यादा अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च होने वाली है। और इसको लेकर दोस्तों आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आता रहता है कि हमारे रूट पर अमृत भारत कब आएगी, हमको कब मिलेगी, ऐसा करके काफी ज्यादा कमेंट आता है आप सभी की तरफ से। तो आप सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सबके लिए भारतीय रेलवे 150 से भी ज्यादा अमृत भारत ट्रेनें काफी जल्दी लाने वाली है। और दोस्तों मांग के अनुसार अमृत भारत ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के कोच भी लगने वाले हैं। मतलब जिस रूट पर ये गाड़ी लॉन्च होती है, फॉर एग्जांपल अगर दरभंगा से आनंद विहार के बीच में गाड़ी लॉन्च होती है, तो इस रूट पर मांग को देखते हुए और यात्रियों के फीडबैक लेने के बाद इसमें एडिशनल एसी के कोच भी लग सकते हैं। दोस्तों ऑब्वियसली ये गाड़ी पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर लॉन्च होने वाली है और ऐसे में बहुत ऐसे रूट हो सकते हैं जिन पर इसमें एसी कोच लगाने की मांग आए। तो दोस्तों इसको लेकर इंडियन रेलवे ने पहले ही प्लानिंग कर रखा है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी मतलब तीनों एसी कैटेगरी के कोच लगेंगे। दोस्तों पुशपुल टेक्नोलॉजी पर चलने के कारण जो हमारी अमृत भारत ट्रेन है इसका जो एवरेज स्पीड है वो राजधानी और शताब्दी से भी अधिक होगा। इसलिए दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं वो एक नॉर्मल ट्रेन के ट्रेवल टाइम से कम ट्रेवल टाइम में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी। वहीं दोस्तों बात कर ले इसके किराए की, तो अमृत भारत ट्रेन का जो किराया है वो आम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 10-15% ज्यादा होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात कर ले हम वंदे भारत की, तो वंदे भारत के कंपैरिजन में काफी किराया कम होने वाला है। दोस्तों मालदा से बेंगलोर के बीच में चलने वाली हमारी जो अमृत भारत ट्रेन है इसके रूट को लेकर ऑलरेडी मैंने आपसे बात कर रखा है और ये गाड़ी कहाँ कहाँ रुकने वाली है, किस रूट से जाएगी, सभी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। वहीं दोस्तों बात कर ले हमारी दरभंगा से आनंद विहार वाली अमृत भारत की, तो ये जो गाड़ी है वो दरभंगा से खुलेगी और दरभंगा से खुलने के बाद ये ट्रेन सीतामढ़ी, रक्सौल, पनियावा, वाल्मीकि नगर के रास्ते अयोध्या जाएगी। उसके बाद ये लखनऊ चारबाग होते हुए बरेली, मुरादाबाद वाले रूट लेगी और उसके बाद ये गाड़ी आनंद विहार पहुंचने वाली है। मतलब यहाँ पर बरेली और मुरादाबाद वाला जो रूट है इस पर एक भी वंदे भारत अभी तक इंडियन रेलवे ने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर सीधे ही अमृत भारत का जो तोहफा है वो इन्हें रूट के लोगों को इंडियन रेलवे ने दिया है। दोस्तों दरभंगा से आनंद विहार के बीच में चलने वाली अमृत भारत के चलने से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और माँ सीता की जन्म धरती सीतामढ़ी का सीधा जुड़ाव हो पाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसी चीज को कनेक्ट करने के लिए इंडियन रेलवे इस अमृत भारत को उतार रही है। दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो जाएगा अयोध्या में, उसके बाद अयोध्या में लाखों संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में दरभंगा से चलने वाली ये अमृत भारत ट्रेन भी इस रूट के लिए एक बड़ी सौगात बनकर आने वाली है, क्योंकि कम किराए में ये आपको अयोध्या दर्शन कराने वाली है। साथ ही कम किराए होने के बावजूद भी इसमें काफी हाईटेक फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि वंदे भारत की तर्ज पर इसमें भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं। मतलब आने वाले स्टेशन से लेके सभी जरूरी चीजें इसमें अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को बताई जाएगी। इसके साथ ही जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक स्पेशल रैंप इस गाड़ी में होगा और उस रैंप की मदद से आसानी से जो उनका व्हील चेयर है वो इस डिसेबल कोच में चढ़ाया जा सकता है। मतलब दोस्तों काफी चीजों को ध्यान में रखकर इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है और सभी चीजों के ऊपर प्रॉपर ख्याल रखा गया है। फिलहाल इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए, और अमृत भारत में एसी के कोच लगना चाहिए या फिर नहीं ये भी मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।